ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये पंक्तियाँ हम सभी ने बचपन से सुनी हैं, पढ़ी हैं और बच्चों को सुनाई भी हैं, पर क्या इसका जो अर्थ है, इसका जो मर्म है, उसको कभी हम समझ पाए हैं? शायद नहीं, क्योंकि समाज में जिस तरह से ईश्वर अल्लाह और धर्म के नाम पे जिस तरह से विद्वेष दिखाई पड़ता है, उससे ऐसा लगता नहीं कि हमें सच में सन्मति मिली है। और क्या पता कि जिनके नाम पर ये विद्वेष दिखाई पड़ता है, उनको इन सब से कोई सरोकार है भी या नहीं। क्या पता, क्या पता कि जिनका नाम लेकर तुमने अदावत ठान रखी है, क्या पता वो ईश्वर अल्लाह पक्के वाले दोस्त हो, तुम्हारे अहंकार और श्रेष्ठता बोध से कोई सरोकार न होने और खुद को एक दूजे से बेहतर दिखाने में उनकी कोई दिलचस्पी न हो। क्या पता उन्हें ना सुहाती हो मंदिर मस्जिद की चार दीवारी और वे रहते हो अपने बनाए जंगल, नदियों, पहाड़, पानी और बादलों में। तितली, चिड़िया, फूल, चींटी और गुबरेले से हंसी ठिठोली करते हो। मुमकिन है कि जिस ईश्वर से डरते हो तुम, जिस अल्लाह से खौफ खाते हो, वो बच्चों सरीखे मासूम हो, खुश हो जाते हो छोटी छोटी बातों में और तमाम तामझाम से उनका भी जी घबराता हो। मुमकिन तो ये भी है कि अल्लाह के कानों को मीठी लगती हो वेदों की ऋचाएं और कुरान की आयतें ईश्वर को सुकून देती हो। वैसे मैंने नहीं, हम सब ने पढ़ा है कि ईश्वर और अल्लाह सारे एक हैं, और ये भी कि वो सृष्टि के हर एक कण में मौजूद है। क्या पता सच ही पढ़ा हो, क्या पता जिस धर्म, जिस मजहब को अहम के सिंहासन पर बैठाकर लोहे की जंजीरों सा बोझिल कर रखा है, क्या पता हमने जिस धर्म, जिस मजहब को अहम के सिंहासन पर बैठाकर लोहे की जंजीरों सा बोझिल कर रखा है, वो इंसानियत की जमीन पर रहे तो कपास के फूल सा हल्का हो, वो इंसानियत की जमीन पर रहे तो कपास के फूल सा हल्का हो।